Hey guys, what's up? Welcome back to the new video. तो कैसे हो आप लोग? Hopefully everyone is good and enjoying दशहरा. तो भाई आज दशहरा है और आज के दिन हम लोग टीका लगाते हैं और दूर दूर के रिश्तेदार आते हैं, अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि भाई इस साल अपने बड़ों के हाथों से टीका लगाने को मिला. एक्चुअली नवरात्रि के बाद हम लोग दशमी में बुराई के ऊपर जीत की सेलिब्रेशन करते हैं, लेकिन हमारे कल्चर में इसको टुगेदरनेस बोल के सेलिब्रेट करते हैं और हो सके तो साथ में रह के बड़ों के हाथों से टीका लगाते हैं. खैर ये सब तो इन्फॉर्मेटिव है. अभी मैंने कोशिश किया है कि आपको दिखाना कि हाउ वी सेलिब्रेटेड और डिड, सो चेक इट आउट. आई एम सॉरी टू इंटरप्ट हियर, लेकिन ये जो मुस्कान आपने देखा, ये मुस्कान गुस्सा करने की बात की थी. एक्चुअली मैंने अपने भैया को बोला था कि अगर मम्मी पापा मिलके जब पूजा करेंगे ना तब की वीडियोस बना देना, लेकिन उसने बनाई नहीं तो मुझे गुस्सा आ गया. लिटरली आई एम द मोस्ट एग्रेसिव पर्सन, लेकिन दिखाता नहीं हूँ, झगड़ा करता भी नहीं हूँ. बस झगड़ा करता हूँ तो सिर्फ मम्मी से. चाहे किसी ने भी मुझे बुरा कहा हो, इधर उधर की बातें सुनाई हो, मुझे झगड़ा किया हो, मैं सब मम्मी को आके बताता हूँ और उल्टा मम्मी से नाराज हो जाता हूँ. लेकिन फिर भी मम्मी ना मेरे को इतना प्यार करती है कि यार क्या बोलूँ. सी सो सपोर्टिव दैट, मतलब आप खुद ही देख लो कि हाउ शी वॉज कॉन्शियस टूवर्ड्स माई वीडियोज. यार मतलब द वे शी वॉज नोटिसिंग टूवर्ड्स माई वीडियोज की चल रही है नहीं है, क्योंकि बेटा वीडियोज बनाता है और अगर वीडियोज बनी नहीं तो गुस्सा करेगा, नाराज हो जाएगा और वैसे भी फोन हैंग रहता है, पटकता रहता है, फेंकता रहता है. सच्ची में गाइस मम्मी जितना प्यार करती है ना वो कोई नहीं कर पाएगा. मैं ना कभी कभार मम्मी के ऊपर गुस्सा कर लेता हूँ तो बाद में फिर ऑकवर्ड वाली चेहरा लेकर उनके पास जाता हूँ, उनकी गोद में लेट जाता हूँ, उसके बाद उनको मनाता हूँ. अब ये मत बोलना कितना बड़ा होकर ये सब करता है. हाँ भाई करता हूँ, मेरी मम्मी है. यार मैं ना मोस्टली अकेले सोता हूँ, लेकिन कभी कभार मम्मी के साथ सो जाता हूँ. पहले लगभग 1 ईयर पहले मम्मी के साथ ही सोता था, लेकिन अभी जाके वो बोलती है कि तू बड़ा हो गया, तू अकेले सो जा. अभी मैं अकेले तो सोता हूँ, लेकिन कभी कभार मम्मी के पास आके सो जाता हूँ. एंड यू नो व्हाट, वो कैसे सुलाती है? वो पहले हक करती है, हक करने के बाद बहुत गर्म करती है, उसके बाद सुलाती है. यार कितना बढ़िया नींद आता है बता आपको. एंड लगभग 2 दिन पहले शायद बारिश हुई थी सुबह सुबह, एट दैट पॉइंट मैं सो रहा था, अकेले सो रहा था एंड मुझे बहुत ठंड लगी, तो उसके बाद मैं उठ के मम्मी के पास आ गया. अब मम्मी को बोला कि मुझे हक कर लो, उन्होंने हक करके सुलाया ना यार, वो सारा ठंड गायब. खैर ये सब तो इमोशनल सी बातें हैं, तो अभी करना नहीं है, तो अभी चलते हैं वीडियोज़ के ऊपर. आज का दिन बहुत बढ़िया था तो सोचा मोटो व्लॉग कर लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई गोप्रो है नहीं, लेकिन फिर भी यार जुगाड़ तो कर ही सकता हूँ ना.
तो बताओ मौसम कैसा था? बढ़िया था ना, चलो अभी माता के दर्शन कर लो। मैं चाहता तो पहले ही दिखा सकता था, लेकिन मुझे अभी दिखाने का मन कर रहा है, तो आप अभी दर्शन कर लो। चलो भाई, हमारी दशहरा हो गई, मम्मी की तारीफ हो गई, मोटो व्लॉग हो गए और माता के दर्शन भी हो गए, तो अब कुछ बचा नहीं है तो वीडियो करते हैं एंड। लेकिन उससे पहले मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के हाथों टीका लगाया है, वो आप देख लो। भगवते कृति से नारायणी जयंत मंगल काली भद्र काली कपाल दुर्गा से शुभ रात्रि स्वा नमस्ते लक्ष्मी करो जे दीर्घायु विष्णु करो जे सम जे पते दे मे रक्षे तो चंडिका धन कर धन बेदे धन जीवतन पर बेदे कौशिका धर्म सिद्धि लाइन पड़ता।